स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा था अब नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड दिस थर्मामीटर्स आर पर प्रीफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्क्यूरी थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर आर इजी टू रीड बिकॉज इट गिव्स एलसीडी डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन एंड दे आर आल्सो मर्क्यूरी फ्री ये जो थर्मोमीटर है फ्रेंड्स इसमें मर्क्यूरी नहीं होता है उसकी जो डिजिटल डिस्प्ले है उसी के ऊपर हम उस आ, कोई भी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो हम ईजीली देख सकते हैं तो अभी के टाइम में जो हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं तो यही थर्मोमीटर मोस्ट ऑफ जगह पे यूज़ होता है अब नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज पे देख सकते हो लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्क्यूरी उसका जो एक एंड है आप देख सकते हो कि वहाँ पे मर्क्यूरी जो आपको ग्रे कलर में देख रहे हो तो वो मर्क्यूरी है

लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मदद से तो हम वो देखते हैं आप इमेज में देख सकते हो टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बटन और द साइड ऑफ अ बीकर होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली द मर्क्यूरी लेवल राइजेस वेट टिल द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिकम्स स्टेडी नॉट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी दिस विल बी अ टेम्परेचर ऑफ़ द वाटर आप इमेज में देख सकते हो स्टूडेंट की जो बीकर है उसमें ये थर्मोमीटर वर्टिकली रखा है कि जो बीकर की साइड को या उसकी बॉटम को टच नहीं कर रहा है तो ऐसे रख के आपको थोड़ी देर के लिए रखना है एंड नेक्स्ट जो मर्क्यूरी जहाँ तक वो रुकता है वहाँ तक का टेम्परेचर जो है वो आपको नोट करना है तो वो आपका वाटर या कोई भी सॉल्यूशन जो भी है उसका टेम्परेचर दिखाएगा नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट तो हीट जो होती है फ्रेंड्स वो कैसे ट्रांसफर होती है कोई भी ऑब्जेक्ट में आप उसको जब हॉटनेस देते हो तो उसमें से भी हॉट कैसे ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड तक तो वो देखना है हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी बॉडी है तो हाई टू लो वो ट्रांसफर होती है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट हीट इज ट्रांसफर्ड इन थ्री डिफरेंट वेज उसके जो थ्री डिफरेंट वेज हैं फर्स्ट है कंडक्शन देन कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन तो आप उसके थ्री टाइप्स जो है वेज जो है डिफरेंट वो आप याद रखना पड़ेगा एंड डेफिनेशन वाइज हम नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट है कंडक्शन कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर इन सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड जो सॉलिड फॉर्म होता है तो उसमें से हॉटर टू कोल्डर एंड जो है ऑब्जेक्ट का वहाँ तक वो हीट ट्रांसफर होती है एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं फ्रेंड्स और ये एक्टिविटी जो है वो हमारे सिलेबस में एज ए एक्सपेरिमेंट हमें दिया है तो वो हमें याद रखना पड़ेगा एंड कैसे है वो भी आप देख ल, देख लेते हैं टेक एन आयरन और एल्यूमिनियम रूट और स्ट्रिप इमेज में जैसे दिखाया है एक स्टैंड के ऊपर आयरन का एक जो रूड है वो फिट किया हुआ है फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसिस ऑन एट इक्वल डिस्टेंस आप देख सकते हो इमेज में कि वैक्स पीसेस छोटे छोटे जो है वो इक्वल डिस्टेंस में लगाए हुए हैं क्लैम द रूट टू तो अ स्टैंड स्टैंड में रूट क्लैम कर दिया है हिट द अदर एंड ऑफ द रूट। आप देख सकते हो कि जो दूसरा एंड है वहाँ से हीट देना स्टार्ट किया है द वैक्स पीसिस बिगिन नीचे गिर रहे हैं एंड दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होटर एंड टू द कोल्डर एंड बाई द कंडक्शन तो ये फ्रेंड्स आप इमेज में अच्छी तरह से देख सकते हो कि उसका जो लास्ट एंड है वहाँ तक एक बर्नर के थ्रू उस रोड को हीट दे रहे हैं ताकि वो हीट जो है वो धीरे धीरे आगे जा रही है तो जैसे जैसे हीट आगे जाती है वैक्स के पीसीस वहाँ से मेल्ट होकर गिर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कोल्डर टू होटर जब ट्रांसफर होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन नेक्स्ट जो है इसमें आप देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग इट इजर एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम फ्रेंड एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं एक्टिविटी कैसे होती है तो आप इमेज में देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज जो है एक वेसल्स में एक खाना पकाया हुआ है और इसमें स्पून रखी हुई है तो ऑब्वियसली उसमें से हॉटनेस निकल रही है आप वो इमेज में देख सकते हो तो फ्रेंड्स घर पर भी जब आप मम्मी खाना खाना पकाती है तब कोई भी ऑब्जेक्ट में वो खाना लिया है जब उसको स्टोव पे से नीचे रखते हो तो इसमें स्पून होती है तो वो खाना जब गर्म होता है तो ऑब्वियसली स्पून गर्म हो जाती है एक एग्जांपल और यहाँ पे दिया है नीचे की ओर देख सकते हो आपकी स्टोव चालू है और उसमें आ, वेसल्स में जो खाना पक रहा है और उसी में स्पून है तो स्पून उसके कॉन्टेक्ट में है तो वो ऑब्वियसली उसको हॉटनेस मिलेगी एंड उसमें से हीट ट्रांसफर होगी नेक्स्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स तो कंडक्टर्स क्या है फ्रेंड्स ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में देख के आए हो कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर किसे बोलते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर से कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली जो भी मटेरियल होता है उसमें से इजीली हीट पास हो जाती है तो ऐसे जो मेट मटेरियल्स होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स एंड उसके एग्जाम्पल में दिया है आयरन एल्यूमिनियम कॉपर एट्सेट्रा और भी एग्जाम्पल है जो आपको पता है आपने से सिक्स स्टैंडर्ड में देखा है और आपको इजीली पता है कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है सेकेंड है इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स आर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दम ईजीली तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है ऐसे जो मटेरियल है कि उसमें से हीट इजीली पास नहीं हो सकती है तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं इंसुलेटर्स एंड उसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो वुडन है प्लास्टिक है ग्लास रबर एयर वाटर एट्सेट्रा वो आप इमेज में भी यहाँ पर दिखाया है तो आप इजिली यहाँ पर रीड करके इमेज में देख के उसके एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो नेक्स्ट कन्वेक्शन कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसियस फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट जो लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म होता है उसमें से हॉटर टू कोल्डर जो हीट uh, पास होती है ट्रांसफर uh, होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन ये भी एक एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं टेक्सम वॉटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क राउंड बॉटम फ्लास्क जो आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हो किप इट ऑन अ त्रिपोइट स्टैंड उसको त्रिपोइट स्टैंड पे रखा है पुट अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमेंगेनेट पोटेशियम परमेंगेनेट का क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे अंदर रखना है हीट इट विथ अ बर्नर बर्नर से उसको हीट देना है दॉटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइज अप एंड कोल्ड वॉटर फ्रॉम द टॉप मूव डाउन जब भी आप उसको हीट दोगे बनर से तो नीचे बॉटम में जो पानी है वो हॉट होके ऊपर जाएगा एंड ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा एंड दिस वाटर बिकम्स हॉट एंड राइजिस अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूवस डाउन एंड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल दॉटर गेट्स हीटेड जब तक पूरा पानी हीट नहीं हो जाता है ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू ही रहेगी एंड दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन ये जो आपने एक्टिविटी देखी तो ये दिखा रही है कि हीट कन्वेक्शंस ट्रांसफर्ड हो रही है दूसरी इमेज जो फ्रेंड्स है उसमें आप इजीली देख सकते हो कि जो हॉट वाटर टॉप पे जाता है एंड टॉप में से कोल्ड वाटर बॉटम की ओर जाता है और ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चालू ही रहती है एंड इस प्रोसेस की वजह से पूरा पानी एकदम गर्म हो जाता है नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस तो ये एनर्जी लिक्विड और गैस में ट्रांसफर होती है व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड इज हीटेड द पार्टिकल्स इट इज मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर वो भी आपको इजीली समझ में आएगा फ्रेंड्स आपके साथ रियल लाइफ में भी ये एक्टिविटी कई बार होती है कि आप जब घर पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर विंटर की सीजन होती है तो घर में जो हम घी रखते हैं तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जब आप उसको तुरंत स्टव पे गर्म करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसका मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स है उसको जब हीट मिलती है तो वो जल्दी से ट्रांसफ़र होते हैं एंड फास्टली मूव करते हैं तो इसकी वजह से वो स्प्रेड भी हो जाता है एंड जल्दी से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मूविंग पार्टिकल्स बम्स इन टू पार्टिकल्स कॉशिंग देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर वो एक दूसरे के साथ बम करेंगे एंड फास्टली uh, वो मूव करेंगे एंड ताकि वो जल्दी से स्प्रेड हो सके नेक्स्ट कन्वेक्शन इन एयर एयर में यह प्रोसेस कैसे होती है द एर नियर द हीट सोर्स गेट्स हीटेड एंड ड्राइजअप हीट सोर्स जो होता है वहाँ की जो एयर होती है वो जल्दी से हीट हो जाती है एंड ड्राइजअप भी हो जाती है द एयर फ्रॉम द साइड मूव इन टू टेक इट्स प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड इफ यू कीप

तो आपको वहां पे हीट ज्यादा नहीं मिलेगी अगर टॉप पे रखा है तो हीट ज्यादा मिलती है उसका रीजन है कि जब एयर है हॉट होती है तो वो जल्दी से राइज अप होती है इसीलिए आपको हॉटनेस जल्दी से मिलती है वहाँ पे एंड वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है तो कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है द हैंड एट द साइड डज नॉट फील एज हॉट बिकॉज द एयर इज नो कन्वेक्शन क्योंकि साइड वाले हैंड को हॉट नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है। नेक्स्ट सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी सो एयर अबाउट द लैंड गेट्स हीटेड बिकॉज

डे टाइम में लैंड गर्म होती है उसकी वजह से अराउंड की जो एयर होगी वो हॉट होगी एंड वो हॉट होगी तो ऑब्वियसली वो राइज अप करेगी राइज अप करेगी तो कूल cool एयर जो है वो सी की ओर मूव करेगी एंड इस कॉल्ड सी ब्रिज सेम उसी तरह लैंड ब्रिज वो आपको नाइट में देखने को मिलता है तो सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड सो द हॉट एयर अबउ दिस सी राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड दी एंड दिस कॉल्ड लैंड ब्रिज तो आप नीचे इमेज दे रखी है आप लोग को कि डे टाइम में जो सी ब्रिज होता है आपको एरो करके वहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है कूल cool एयर नीचे की ओर आती है एंड वाम एयर जो है वो ऊपर की ओर जाती है एंड सेम नाइट टाइम में लैंड uh, ब्रिज देखने को मिलता है तो लैंड ब्रिज में वार्म एयर ऊपर की ओर जाती है एंड कूल एयर जो होती है वो लैंड की ओर आती है तो ऐसे ही सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपको ये इमेज में दिखाया है फ्रेंड्स कि कैसे सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज नाइट एंड डे में होता है तो आप इमेज की uh, मदद से भी उसको समझ सकते हो इजीली नेक्स्ट एक इमेज दे रखी है सी ब्रिज आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सी ब्रिज की ओर से एक डायरेक्शन दिखाया है वहाँ से जो हॉट एयर है वार्म एयर है वो राइजिंग हो रही है वो जब राइजिंग होगी तो कूल cool एयर जो होगी वो डिक्रीजिंग होगी वो नीचे की ओर आएगी सी की ओर आएगी तो एयर मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे डे टाइम में एयर uh, जो होती है फ्रॉम सी टू फ्रॉम थ्रू सी मूव होती है एंड उसी की तरह एट मूव्स एयर मूव्स फ्रॉम लैंड एट नाइट नाइट में वो लैंड uh, की ओर आती है नेक्स्ट लास्ट जो प्रोसेस थी रेडिएशन रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम कोई भी मीडियम के बिना जब हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस टू अनदर प्लेस तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है द हीट फ्रॉम द सन रिच इज द अर्थ बाय रेडिएशन सन से अर्थ uh, की ओर जो हीट आती है वो एक रेडिएशन की प्रोसेस की वजह से आती है वेन वी सीट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएटेड बाई द फायर ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीटेड आप इमेज में देख सकते हो फ्रेंड्स और आपको जनरली पता भी है कि सन से अर्थ की ओर जो उसकी हॉटनेस uh, आती है तो बीच में कोई मीडियम नहीं है वो सन से लेके अर्थ तक इजीली पहुंचती है तो वो प्रोसेस है रेडिएशन नेक्स्ट हिट फ्रॉम द सन यू कैन फील दिस सन वार्म योर स्किन ऑन अ सनी डे सनी डे होता है तो आपको पता है कि आप जब बाहर निकलते हो तो आपकी स्किन आपकी जो स्किन है जैसे आपको जलन होती है वहाँ पर ऐसा लगता है एंड दिस इज बिकॉज द एनर्जी कॉसिस द पार्टिकल्स इन योर स्किन टू मूव फास्टर इज इक्व टू मोर हीट एनर्जी आपकी स्किन बॉडी के जो स्किन के पार्टिकल्स है वो फास्टली मूव करते इसीलिए आपको वहाँ पर हीट ज्यादा लगती है नेक्स्ट डार्क कलर्ड surface एंड कलर्ड surface. आपको जनरली पता है कि आप समर में अगर डार्क कलर के कपड़े पहन के बाहर निकलते हो तो आपको हीट ज़्यादा लगती है आपको गर्मी ज़्यादा लगती है और अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहन के निकलते हो तो आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है तो ऐसा क्यों तो देखते हैं डार्क कलर सरफेस अब्जोर्व मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं वो लाइट कलर के क्लोथ से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसी लिए अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहन के निकलते हो तो आपको ज्यादा हीट लगती है टेक अ टू टीन कैन ऑफ अ सेम साइज आपको दो टीन कैन लेने हैं पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट नीचे इमेज में दिखाया है फ्रेंड्स कि जो दो टिन अपने लिए है उसमें से एक का जो आउटर सरफेस है वो ब्लैक कलर का करना है एंड दूसरे का है वो वाइट कलर का पोअर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन सनलाइट फॉर अबाउट वन आवर आपको एक घंटे के लिए उसमें पानी भर के सनलाइट में रखना है मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस दोनों कैंस में वाटर का टेम्परेचर आपको मेजर करना है द वॉटर इन द ब्लैक कैन इज वार्मर देन द वॉटर इन अ वाइट कैन जो वाइट कैन में पानी होगा वो इतना गर्म नहीं हुआ होगा कि जितना ब्लैक कैन में हुआ है क्योंकि जो डार्क कलर का कैन है वो गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली उसके जो पानी होगा अंदर उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा एंड जो वाइट कलर का टीन था तो उसमें गर्मी इतनी एब्जॉर्ब नहीं होगी उसीलिए उसका टेम्परेचर भी लो होगा नेक्स्ट डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन राइट कलर सरफेस टेक अ टू टीन कैंस ऑफ सेम साइज जैसे फर्स्ट में लिया था वैसे ही दोनों कैन लेने हैं एक का सरफेस ब्लैक करना है दूसरे का सरफेस वाइट करना है दोनों में इक्वल अमाउंट में हॉट वाटर फिल करना है ऑफ दिस सेम टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए नेक्स्ट लिव देम इन अ रूम और शेडो फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स रूम में या फिर जहाँ पे शेडो आ रहा है वहाँ पे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन उसके बाद दोनों कैन का टेम्परेचर मेजर करना है वाटर इन द ब्लैक कैन इज कूलर द दॉटर इन अ वाइट कैन तो जब फ्रेंड्स आप दोनों का टेम्परेचर मेजर करोगे तो वाइट कैन है उसका टेम्परेचर कैसा होगा तो ब्लैक कैन इज कोलर देन द दे वाइट कैन ब्लैक का जो टेम्परेचर होगा वो कूल होगा एंड वाइट का होगा वो थोड़ा हॉट होगा तो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हो रेडिएशन हमने आगे देख लिया है और डार्क कलर एंड लाइट कलर में गर्मी कौन से ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एब्जोर्व होती है तो डार्क कलर में एंड लाइट कलर जो होता है उसमें गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं होती है तो यहाँ पे आपने दोनों डिफरेंस जो है वो एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया है नेक्स्ट काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर विंटर और समर में हम दोनों सीजन uh, में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टाइप्स के क्लोथ uh, पहनते हैं तो क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि समर uh, में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे कि जिसमें आपको गर्मी कम लगे विंटर के सीजन में आपको ठंडी ज़्यादा लगती है तो आप ऐसे कपड़े पहनना uh, पसंद करेगी कि आपकी बॉडी को वो हॉटनेस दे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डार्क कलर सरफेस एब्जोर्व मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस जो डार्क कलर का होता है वो गर्मी ज़्यादा एब्जोर्व करता है इसलिए हम समर में लाइट पसंद करेंगे एंड विंटर में हम डार्क पसंद करेंगे डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस We wear dark color cloth in winter because it absorb more heat and keep us warm. वो heat ज़्यादा absorb करेगा इसीलिए हमारी body को वो warm रखेगा इसीलिए हम winter में dark color के कपड़े पहनना पसंद करेंगे And we wear light colors cloth in summer because it reflect most of the heat and keeps us cool. क्योंकि light color के कपड़े होंगे तो वो ज़्यादा गर्मी absorb नहीं करेगा एंड हमारी बॉडी को कूल रखेगा वी वीअर वुलन क्लोथ इन विंटर बिकॉज वूल इज वूल इज अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड द एयर इन बिटवीन द वूल फाइबर्स प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी सो वी फील वम हम विंटर में वुलन के क्लोथ क्यों पहनना पसंद करेंगे क्योंकि वुलन जो है वो पुअर uh, कंडक्टर है हीट का इसीलिए उसमें जो उसका वुलन का फाइबर होगा तो उसमें लॉट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट होगी जो हमारी बॉडी को मिलेगी इसीलिए हम हमारी बॉडी वार्म महसूस करेगी और हम वुलन के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं नेक्स्ट आप इमेज के थ्रू ये तीनों का जो डिफरेंट है वो आप देख सकते हो और जो हम आगे डेफिनेशन के थ्रू भी समझ के आए हैं नेक्स्ट वाइन टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम मेन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है जो पवन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करता है एंड देर इज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ दैट रिजल्ट इन ग्लोबल वाइन पैटर्न ग्लोबल वाइन पैटर्न टू टाइप्स ऑफ वाइंड दो टाइप्स के वाइंड हैं। फर्स्ट है लोकल एंड सेकेंड है ग्लोबल तो लोकल आर दी वाइंड दैट ग्लो ओवर शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में वो देखने को मिलता है एंड जो ग्लोबल वाइंड है आर वाइंड दैट बिलो स्टेडीली फ्रॉम स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो देखने को मिलता है एंड दोनों आप इमेज में देख सकते हो नेक्स्ट वाइंड इज कॉस्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डिफरेंस इन प्रेशर जब टेम्परेचर एंड प्रेशर में डिफरेंस होता है तब ये वाइंड uh, होता है एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट्स uh, में से उसके जो थ्रीड्स सॉरी uh, उसके जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं तो वो भी उसके थ्रू होते हैं और क्यों होते हैं आपको इजिली समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है डिफरेंस इन टेम्परेचर टेम्परेचर में कैसे डिफरेंस होता है तो उसके लिए फर्स्ट है वार्म एंड राइजिस वो आपको पता है कि जब एयर वार्म होगी तो वो राइज अप करेगी एंड वार्मिंग एयर मेक द मोलेक्स मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट उसके जो मोलेक्र्स होंगे वो फास्टली मूव करेंगे एंड उसी वो उसको जल्दी से स्प्रेड आउट करेंगे एंड दिस मेक द एयर लेस डेंस लेस डेंस एयर इज लाइट एंड विल राइज वो वेट में लाइट होती है इसीलिए वो जल्दी से राइज करेगी नेक्स्ट सेकेंड है कोल्ड एयर कोल्ड एयर जो होती है वो सिंक करती है वाई तो कूलिंग एयर मेक्स द मोलिकुल स्लोअर एंड ग्रुप टूगेदर कूल एयर होती है तो उसके जो मोलिकुलस होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं एंड वो ग्रुप में होते हैं एंड दिस मेक द एयर मोर डेंस इसलिए उसमें वो मोर डेंस होता है तो मोर डेंस एयर विल सिंक एंड उसी की वजह से कोल्ड एयर सिंक करती है नेक्स्ट डिफरेंस इन प्रेशर प्रेशर में डिफरेंस क्या है तो राइजिंग एयर क्रिएट स्लो प्रेशर जो राइजिंग एयर होती है राइजिंग एयर मतलब वार्म एयर तो वहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है इफ़ एयर इज लिफ्टेड अप दैट मीन्स देर इज अ लेस एयर पुशिंग डाउन ऑन अर्थ सेकेंड है सिंकिंग एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर मतलब कोल्ड एयर एंड इफ एयर इज सिंकिंग द एयर इज पुशिंग डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विथ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जब कोल्ड एयर होगी तो पुश करेगी अर्थ की और हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर से तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली या आ, मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो थैंक यू